नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं संसद की अपडेट, जिसमें आज हम आप लोगों को बता दें कि आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपना भाषण पेश किया है। राज्यसभा में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने पढ़ा है कि कई देशों में 600 योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी कार्यक्रम में नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि चलो कभी छूट जाता है, ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता है? आपको मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतिहास उठाकर देख लीजिए कि वह कौन सी पार्टी है जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है, 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया है। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार दुरुपयोग किया, उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि खड़गे जी शिकायत करते हैं कि मैं काला बुरागी क्यों जाता हूं, उन्हें वहां के काम को देखना चाहिए। कर्नाटक में 1.70 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, उन इसमें से कालाबुर्गी में 8 लाख से अधिक खाते शामिल हैं। इसके सारे लोग सशक्त हो रहे हैं जबकि किसी का खाता बंद हो रहा है, मैं दर्द समझ सकता हूं। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं, वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए, तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। और बार बार उनका दर्द झलकता है और मैं तो हैरान हूं, कभी कभी यहां तक कह देते हैं एक दलित को हरा दिया, अरे भाई उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहाँ रो रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 फरवरी को राज्यसभा में भावुक हो गए जब महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना की सूची बना रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने अपनी मां को भी याद किया। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की कांग्रेस को बार बार देश नकार रही है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता इसे देख रही है और उनको हर मौके पर सजा भी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनकी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती है, लेकिन हमने रेहड़ी ठेले और पटरी वालों की चिंता की है। पीएम स्वनिधि और पीएम विकास योजना के जरिए हमने समाज के बड़े वर्ग का सामर्थ्य बढ़ाने का काम किया है। कोई भी जब सरकार में आता है वह देश के लिए कुछ वादा करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात नहीं बनती है। विकास की गति क्या है, विकास की नींव, दशा, प्रयास और परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना राज्यसभा में भाषण कंप्लीट किया है। माँ बहन कितनी ही गंभीर बीमारी हो,
लेकिन कभी बताती नहीं है। उसको चिंता रहती है कि कहीं बच्चों पे कर्ज हो जाएगा, परिवार पर बोझ हो जाएगा, वो पीड़ा सहती है, लेकिन अपने बच्चों को अपनी बीमारी के विषय में नहीं बताती है। उन माताओं बहनों को आयुष्मान कार्ड देकर के अस्पताल में बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति का रास्ता हमने खोल दिया है। आदरणीय सभापति जी, बेटी का संपत्ति पर अधिकार हो, इसलिए हमने सरकार की तरफ से जो आवास देते हैं उसमें बेटी के राइट को निश्चित किया, उसके नाम पर प्रॉपर्टी करने का काम किया। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी माताओं बहनों को जो भी छोटी मोटी बचत कर ले, मुसीबत झेल करके बचत करना माताओं बहनों का स्वभाव होता है, और वो घर में अनाज के डिब्बे में पैसे रख करके गुजारा करती है, उस मुसीबत में निकाल के हमने उसको जनधन के खाते दे दिए, बैंक में पैसा जमा करे इसकी व्यवस्था कर दी। और आदरणीय सभापति जी, इस बजट सत्र के लिए तो गर्व की बात है कि बजट सत्र का प्रारंभ महिला राष्ट्रपति के द्वारा होता है और बजट सत्र का विधिवत प्रारंभ महिला वित्त मंत्री के सत्र में होता है। देश में ऐसा संयोग पहले कभी नहीं आया जो आज आया है, और हमारा तो प्रयास रहेगा कि ऐसे शुभ अवसर आगे भी देखने को मिले। अब आपको बताते हैं कि मनोज कुमार झा ने भी राज्यसभा में कई तरह के अपने विचार पेश किए हैं। मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में बताया कि इस अमृतकाल में सबके हिस्से कुछ ना कुछ आएगा या फिर कोई ना कोई अमृत सबके हाथ लगेगा। आइए सुनाते हैं कि राज्यसभा में उन्होंने क्या कहा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। ये एक ऐसा विषय है माननीय सभापति महोदय जिसमें पक्ष और विपक्ष में कोई विभेद नहीं हो सकता, मतभेद नहीं हो सकता, और ये मैं संपत्ति और आय के ह्यूज असमान वितरण के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, कई हमारे मित्रों ने भी चर्चा की और मेरी मुझे खुशी है इस बात की माननीय वित्त मंत्री साहिबा भी हमारे समक्ष, और दिक्कत की बात यह है सर कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए लेकिन असमानता के महासागर में समृद्धि के कुछ टापू हो और पूरा का पूरा देश असमानता के उस महासागर में गोते लगा रहा हो, ये उचित नहीं है सर। 5% अभी जो रिपोर्ट आई है, मैं जानता हूं आप कहेंगे आजकल ऑथेंटिकेट करने के लिए तो मैं लेके आया हूं, लेकिन मेरी वाली कॉपी वापस करवा दीजिएगा सर जी। 5% भारतीयों के पास 60% संपत्ति है, उनकी संपत्ति से कोई भेद नहीं है सर। दिक्कत ये है कि 50% के पास सिर्फ 3% है। जब कोरोना में लोगों की आय घट रही थी सर, हमारे देश में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी सर। ये अनायास नहीं होता है, ये सायास होता है। जिस समाज में धन और संपत्ति का इस प्रकार का असमान वितरण हो, हमारे पुरखों को अंदाजा था सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 क्लॉज सी, और मैं बार बार जब वित्त मंत्री जी के बजट पर मैं बोलता हूं आग्रह करता हूं कि इसके नजरिए से बजट बनाइए। कुछ भी होगा अगर हम इसको ना भरपाई कर पाए तो दिक्कत होगी। हमारे देश में भी सर सन 85 तक एक इस तरह के टैक्स की व्यवस्था थी, वेल्थ और इनहेरिटेंस। कई विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में यह व्यवस्था है, क्या हम इसे वापस नहीं ला सकते सर? इस एक छोटे से प्रोग्रेसिव टैक्स के बाद हमारे पास एक इतनी बड़ी संपदा होगी, इतना बड़ा पूल होगा कि वित्त मंत्री साहिबा को डेफिसिट नहीं देखना पड़ेगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं लोक कल्याण के लिए आप कर पाएंगी। मैं समझता हूं कि सर धनिकों के आधार पर, सुपर धनिकों के आधार पर जिस भी समाज ने अपने निर्माण की नींव रखी है उस समाज में क्रैक्स आए हैं सर, ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है असमानता का पूरा मसला। अगर मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय कि पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष मिल करके एक इस तरह के टैक्सेशन की व्यवस्था करें ताकि आप हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सर अभी 28 सेकंड बाकी है, हम सार्थक पहलकदमियां कर सके। और हां, आखिर में फिर से दोहराऊंगा कि आर्टिकल 39
क्लॉज सी सब पढ़ें, उसके हिसाब से नीतियां गढ़ें तो देश बेहतर होगा और अमृत काल में सचमुच अमृत सबके हिस्से में आएगा, ना सिर्फ कुछ के हिस्से में सिमट के रह जाएगा। शुक्रिया सर, जय हिंद। इसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जवाब दिए जाने के बाद कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उसे मंजूरी दे दी गई। धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनमति से मंजूरी दी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ विपक्षी दलों द्वारा लाए गए संशोधनों को भी खारिज कर दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत होने पर लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। अब आपको बताते हैं कि विदेश मंत्री ने क्या कहा है संसद के अंदर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि भारत इस संदेश पर जोर देने के लिए विदेशों में अपनी सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से गतिविधियां शुरू की है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में जयशंकर ने कहा कि इस मामले पर सरकार ने भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी कि ICCR के साथ चर्चा की है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि हमने पहले ही अपने सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से विदेशों में गतिविधियां शुरू कर दी है ताकि इस संदेश पर जोर दिया जा सके कि भारत लोकतंत्र की जननी है। इस संदेश पर जोर दिया जा सके कि भारत एक बहुलवादी और परामर्शी परंपरा है जिसकी बराबरी बहुत कम समाज कर सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।